बरसात के बाद सब्जी आढ़तियों को करना पड़ा समस्या का सामना, मंडी समिति में भरा पानी। सभी आढ़तियों को बाहर सड़क पर बेचनी पड़ी सब्जी। फिरोजाबाद में तेज बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है। अगर फिरोजाबाद के कोटला रोड स्थित मंडी समिति की बात करें तो इसके अंदर हजारों की तादाद में सब्जी आढ़तिया अपने अपने गांव से सब्जी लेकर यहां बेचने के लिए आते हैं, लेकिन बारिश के बाद सब्जी आढ़तिया के सामने समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि जहां वह अपनी दुकान लगाकर सब्जियों को बेचा करते थे, आज वहां पानी भरा हुआ है, जिससे सभी सब्जी आढ़तियों को समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने आज अपनी दुकानों को कोटला रोड पर सड़क किनारे लगाया, वहां सब्जी बेचनी पड़ी। फिलहाल अभी भी काफी तादाद में मंडी समिति के अंदर जलभराव की स्थिति है। फिरोजाबाद में बारिश तो थम गई है, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी काफी जलभराव है। मंडी बाहर लगी है, क्या कारण है? बाहर लगी है जी, हमारे यहाँ मंडी में 3,69,00,000 रुपए आया था, तो मंडी की तो ऊंचाई बढ़ी नहीं, अफसरों की जेबों की ऊंचाई बढ़ गई है उससे, ये हुआ है इसमें, इसलिए हम सब बाहर हैं। पानी भरा है अंदर? पानी भरा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, सब चीज व्यवस्था फेल है, दुकानों के अंदर पानी है। और सामान वगैरह जो? सामान तो खराब हो गया, सब सड़ी हुई देवा सब सड़ गया है सामान। मेरा नाम मेघ सिंह पहलवान है। पानी भरा है, मंडी बाहर लगी है सड़क पर, कारण क्या है? कारण ये है कि मंडी में भाई साहब कोई सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है। हम लोग काफी दिनों से स्ट्रीट लाइट तक की शिकायत कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी, अंधेरे में बैठना पड़ता है, 4 बजे से बिक्री शुरू हो जाती है, हम लोगों की कोई बिक्री नहीं हो पाती है, किसानों को वहाँ सस्ते मद्दे में काटना पड़ता है, गायों को खिलाना पड़ता है। आज सड़क पर मंडी लगी है, उसका क्या कारण है? कारण ये है कि पूरी मंडी में पानी भरा हुआ है, कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं है। तो करोड़ों रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था, फिर क्या हुआ उसका? वो जाता है अधिकारियों की जेब में, यहाँ मंडी में तो कुछ लगता ही नहीं है, एक लाइट तक की व्यवस्था ढंग से नहीं है मंडी में। काफी दिनों से हम शिकायत करते आ रहे हैं मंडी के अधिकारियों से, मंडी के अधिकारियों ने हमारी किसी ने नहीं सुनी। तो जाम जूम भी लगाया सड़क पर? जाम इसलिए लगा है, पूरे आड़तिया मंडी के यार सड़क पे बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, क्या करें, रोड पे नहीं बैठे तो कहाँ जाए, मंडी में कोई व्यवस्था ही नहीं है बैठने को।